इस लेक्चर में हम फोटोशॉप की शेप्स के बारे में पढ़ेंगे कि शेप्स को हम यू डिज़ाइन में कैसे यूज़ करते हैं और शेप टूल जो है उसमें हम मुख्तलिफ शेप्स को कैसे ऐड करते हैं आपस में और उनको मर्ज कैसे करते हैं उनको सब कैसे करते हैं तो सबसे पहले और साथ हम ये पढ़ेंगे कि शेप की जो लाइव प्रॉपर्टीज़ टूल जो फोटोशॉप सी सी में उन्होंने रिलीज़ किया था वो कैसे उसको यूज़ करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ से रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट किया इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे जितनी मैंने वर्थ का रखना है ये मैंने रेक्टेंगल एक ड्रॉ की उसके बाद जो है यहाँ से ये यह देखें साथ इसकी लाइव शेप प्रॉपर्टीज टूल खुल गया है जैसे ही मैंने ये ड्रैग करके छोड़ा है अभी मेरी शेप सिलेक्ट हुई हुई है उसके बाद ये यह देखें यहाँ पे इसकी विड्थ आ रही है ये इसकी हाइट आ रही है यहाँ से अगर मैं इसको लॉक कर दूंगा तो ये अगर मैं हाइट और विड्थ बढ़ाऊँगा तो ये प्रपोशनली बढ़ेंगी जैसे सेवन हंड्रेड करूँगा तो ये देखें हाइट भी जो है उसके हिसाब से उसके प्रपोर्शन से जो है वो बड़ी है अगर मैं इसको कम करूँगा तो ये उसी प्रपोर्शन से कम होगा लेकिन अगर मैं अनलॉक कर देता हूँ तो इसकी विड्थ जो है वो उसका हाइट से कोई रिलेशन नहीं रहेगा उसका कोई ताल्लुक नहीं है अगर मैं 300 करता हूँ तो ये विड्थ ही सिर्फ चेंज होगी हाइट चेंज नहीं होगी उसके बाद ये तो हो गया हाइट और विड्थ का उसके बाद ये एक्स और वाई का इतना काम तो नहीं है लेकिन चलें इंफॉर्मेशन uh, के लिए कि ये एक्स जो है वो उसका एक्स एक्सिस से जो है ना फासला है कि ये लेफ़्ट से कितना है ये देखें अब जीरो पे चला गया जब मैंने इसको लेफ़्ट पे टोटल लगा दिया ये कैनवस से इसका डिस्टेंस है अगर मैं ऊपर ले जाऊँगा ये देखें वन ट्वेंटी सेवन सेवनटीन पिक्जल ऊपर से टॉप से और इधर से माइनस में चला गया मतलब ये है कि ये बाहर चला गया इससे ज़रा ये पता लग जाता है कि कैनवस से बाहर तो नहीं कोई चीज़ चली गई या कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं है जो बाहर चला गया खैर ये तो हो गई आ, इसकी हाइट विथ और एक्स और वाई प्रॉपर्टीज के एक्स उसके बाद ये इसका कलर है यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं ये इसकी आउटलाइन है आउटलाइन अगर चेंज करनी है आपने आप यहाँ से कर सकते हैं उसके बाद ये इसका आउटलाइन की विट है कि कितनी है ये इसलिए नजर नहीं आ रही आउटलाइन की ये बहुत कम इसकी विट था ये देखें मैंने बढ़ाई है ये भी इसके ऊपर है डॉटेड डैश डैश लाइन करूंगा तो ये देखें डैश में आ गया है लाइन में करूँगा तो ये लाइन में चला गया स्ट्रोक ऑप्शन हैं ये इसकी और ये स्ट्रोक विट है अच्छा उसके बाद नॉर्मली स्ट्रोक हम यहाँ से यूज़ नहीं करते उसको मैं बाद में डिस्कस करूँगा कि हम कैसे इसका करेंगे और उसके बाद इन ऑप्शंस को भी आप ना छेड़ें इनको बाद में एडवांस में देखेंगे कि ये क्या ये असल में इसकी स्ट्रोक है कि ये इनसाइड होगा कि आउटसाइड होगा कि सेंटर में होगा कहाँ पे होगा उसके बाद ये जो मेन प्रॉपर्टी है ये है इसके राउंडेड कॉर्नर्स की रेडियस इसका कैसे हमने सेलेक्ट करना है ये देखें अगर मैं एक को करके कर ड्रैग करता हूँ तो ये देखें इसके कॉर्नर्स जो हैं वो राउंड होते जा रहे हैं जैसे आपने अक्सर वेबसाइट्स के ऊपर देखा होगा कि राउंडेड ये, ये जो कॉर्नर वाले बटन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं अगर देखें इसको मैं ज़्यादा राउंड करता जाऊँगा देखें ये पिल शेप इसको बटन कहते हैं जिस तरह हम गोलियाँ खाते हैं पिल्स उस शेप का बटन है उसके बाद ये है इसकी लॉकिंग लॉकिंग वही है कि ये सारे देखें एक जैसे बढ़ रहे हैं अगर मैं इसको लॉक को ख़त्म कर दूं तो ये देखें अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो करता हूँ तो ये देखें ये है कि अगर आपने शेप्स डिफ़रेंट बनानी है तो आप इस तरह कर सकते हैं और जो सी एस एस है वो भी इसको सपोर्ट करती है इसलिए ये चीज़ इसको यूज़ किया जा सकता है वेब डिज़ाइन में और वेब ऐप डिज़ाइन में लेकिन नॉर्मली इट इज़ बेटर कि आप कन्वेंशन जो है ना जो नॉर्मल बटनज़ हैं उनसे ना हटें वरना यूज़र्स को प्रॉब्लम होती है अच्छा ये तो हो गया हमारा शेप का कंट्रोल कि इसको कैसे हमने नॉर्मली कंट्रोल करना है और कैसे उसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या चीज़ें हैं अच्छा उसके बाद यहाँ पे अब हम ऐसे करते हैं कि दो शेप्स को जो है आपस में मर्ज करते हैं ये मैंने एक एक्लिप्स टूल लिया और मैंने यहाँ पे उसको एक यहाँ पे सर्कल ड्रा किया अब ये देखें ये जो एक्लिप्स था ये अलग से आया है इसकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं ये इसकी शेप की जो भी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं अच्छा अगर मैं इन दोनों को मर्ज करना चाहूँ तो इन दोनों को आपने कंट्रोल से क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है दोनों आपके सेलेक्ट हों कंट्रोल क्लिक उसके बाद इसकी ऑप्शन है कंट्रोल ई ये देखें ये यहाँ पे भी आ रहा है मर्ज शेप्स वैसे इसकी जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल ई है आप इसको अगर यहाँ से मर्ज शेप्स भी करेंगे तो ये मर्ज हो जाएंगे अब ये देखें ये सिंगल एक शेप बन गई है शेप का यहां पे आइकॉन भी आ रहा है सिंगल शेप है इसको अगर मैं कलर चेंज करूँगा तो दोनों का कलर चेंज हो जाएगा इस ये है इजी मेथड शेप्स को कंबाइन करने का और अगर मैं चाहता हूं कि मैं इस अंदर वाली शेप को जो पहले इसमें मर्ज हुई है इसको मूव करूँ तो उसके लिए जो है ना आपने ये ड्रैक्ट सिलेक्शन टूल ए जो है इसको सेलेक्ट करना है तो अब आप देखें अलग से शेप्स आपको नजर आने लग पड़ी हैं इस पर क्लिक करें सॉरी ये इसकी बजाय आप ये पाथ सिलेक्शन टूल कर लें ये पूरी शेप को करेगा ये देखें अब इसने चारों इसके जो पॉइंट्स थे पेन uh, पॉइंट्स या इसके समझ लें कि uh, जो एंकर पॉइंट्स हैं इनको उसने सेलेक्ट कर लिया है इनको एंकर पॉइंट्स बोलते हैं और uh, ये देखें मैं इसको जहाँ भी ड्रैग करना चाह रहा हूँ मैं इसको कर सकता हूँ फ़र्ज करें मैंने इसको यहाँ पर ड्रैग करके फिक्स कर दिया तो ये देखें ये मेरा पिल शेप बटन डिफरेंट किस्म का बन गया अच्छा उसके बाद अब चूंकि ये मर्ज हो गए हैं तो देखें उसका जो रेक्टेंगल की थी प्रॉपर्टीज वो ख़त्म हो गई हैं अब ये लाइव शेप प्रॉपर्टीज जो हैं वो आ, सर्कल टाइप चीज की आ रही हैं या उसकी नहीं आ रही ये आपने बात का ख्याल रखना है अगर आप बार बार एडिट करना चाह रहे हैं तो फिर ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है अच्छा उसके बाद अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ से कोई इसकी इतनी शेप जो है वो यहाँ से सब्ट्रैक्ट भी कर दूँ यानी कि माइनस कर दूँ इसमें से तो फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करता हूँ उसके बाद यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया ऊपर से मेन्यू में ये जो प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं इसकी सॉरी ये ज़रा मैं इसको ब्रेक का आ गया था मेरा अच्छा ये सब्ट्रैक्ट फ्रंट शेप जो है इसमें आप करेंगे तो उसके बाद अगर मैं ड्रा करता हूँ ये देखें ये इसको सब्ट्रैक कर दिया है उसने वो उतनी शेप जितनी मैंने कवर की है वो उसने यहाँ से फैब कर दी है देखें ठीक है नॉर्मली ये सब्ट्रैक्ट और यही यूज़ होती हैं इंटरसेक्शन और वो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होते तो अगर आप इंटरसेक्शन से भी देखना चाह रहे हैं कि क्या इफेक्ट आता है तो अभी हम देख लेते हैं ये इंटरसेक्शन और ये क्या करते हैं इंटरसेक्स शेप एरिया तो अगर मैं यहाँ पे ड्रा करूँगा तो अब देखें क्या इफेक्ट आता है जो ओवरलैपिंग एरियाज थे सिर्फ वो नज़र आएंगे बाकी सब कुछ गायब हो जाएगा ये है इंटरसेक्शन अच्छा उसके बाद अगर मैं ये वाला लास्ट जो था एक्सक्लूड ओवरलैपिंग शेप तो उसमें जो ओवरलैपिंग होगा वो ग़ायब हो जाएगी बाकी सारी रहेगी जैसे अब मैं ये दिखाता हूँ आपको ये ओवरलैप कर रही हैं दोनों का जो कॉमन एरिया है वो गायब हो जाता है पीछे वाली जो बाकी एरिया था वो रह जाता है ये देखें अगर मैं यहाँ पर ड्रा करूँगा तो डिफरेंट इफेक्ट आएगा ये देखें आ, इसको मैं ये देखें ये ओवरलैपिंग इफेक्ट है जो ओवरलैप एरिया करता है वो गायब हो जाता है जो बाकी है वो नज़र आता है तो ये था सारा शेप्स के बारे में और शेप्स को की प्रॉपर्टीज़ के बारे में उनको कंबाइन कैसे करना है इंटरसेकट कैसे करना है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो ना aspect है ना एस्पेक्ट है शेप्स हमारी बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं और दूसरा ये कि ये शेप्स जो है ये हमारी अब फोटोशॉप के अंदर वैक्टर ऑब्जेक्ट्स हैं मतलब इनको आप जितना भी ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहें आप कर सकते हैं ये देखें अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँगा तो इसकी शेप जो है वो डिग्रेड नहीं होती ना ही इसके जो कॉर्नर्स के पिक्सल्स हैं वो फटते हैं या यहाँ से ख़राब होते हैं ये ऐसी है जैसे अब हम किसी वेक्टर टूल में काम कर रहे हैं ये असल में वेक्टर शेप्स में आती हैं तो इसलिए जब भी हम यू आई डिज़ाइन में डिज़ाइन करेंगे तो शेप्स जो हैं उनको हम आ, वेक्टर शेप में रखेंगे उनको रेस्टराइज नहीं करेंगे देखें अगर मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और मैं इसको यहाँ से रेस्टराइज रेयर कर देता हूँ अब अब ये शेप नहीं रहा यहाँ पे देखें आप शेप नहीं आ रहा आपको नज़र उसका आई कॉन तो शेप अब चूंकि ये नहीं रही तो इसलिए इसको अगर मैं अब एक्सपैंड करूंगा या कॉन्ट्रैक्ट करूंगा तो ये अपनी जो इसकी पिक्सल और इसकी जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो जाएगी ये देखें अब मैं इसको खींचा तो ये देखें अब यहाँ से ये ब्लर होना शुरू हो गया धुंधला नज़र आ रही है आपको शेप अगर मैं इसको जूम करूँगा ये देखें ये आपको धुंधली नज़र आ रही है ये, ये जो मैं ड्रैग कर रहा हूँ ये मैं स्पेस बार प्रेस करता हूँ तो ये हैंडर हो आ जाता है उसके बाद आप अपनी फाइल को कहीं भी ड्रैग कर लेते हैं और ये आपकी ज़ूम की है अगर आपने ज़ूम करना है तो यहाँ से ज़ूम होता है और अगर आप इसको नहीं यूज़ करना चाह रहे तो शॉर्टकट की जो जूम की है वो है कंट्रोल प्लस खैर ये शॉर्टकट की का अलग से आएगा पूरा एक लेसन जिसमें कॉमन शॉर्टकट कीज़ जो फ़ोटोशॉप पे यूज़ होती हैं यू आई डिज़ाइन में वो मैं डिस्कस करूंगा वो सिर्फ शॉर्टकट कीज़ के बारे में होगा तो मेरा ख़्याल है आपने शेप्स के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया है तो शेप्स के लिए इतना ही काफ़ी है चलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर की तरफ अगर आपको ये मेरे ट्यूटोरियल्स पसंद आए हैं तो प्लीज़ मेरी वेबसाइट पर विज़िट करें लर्न यू एक्स आई डी डॉट कॉम और सब्सक्राइब करवाना ना भूलिए Uh, ताकि आपको जो नई नई अपडेट्स हैं नए न्यू कोर्सेज़ के बारे में एंड्रॉड एंड्रॉयड और आई uh, यू और हाउ टू डबल योर फ्री रेट, ये मेरे नेक्स्ट कोर्सेज़ हैं तो इनकी अपडेट्स हासिल करने के लिए जो है वो सब्सक्राइब करवाएं और मेरे यूट्यूब को यूट्यूब का चैनल जो है इसको भी सब्सक्राइब करवाना ना भूलिए थैंक यू